पहले बिग बॉस में सलमान से पंगा, फिर सोशल मीडिया पर हुड़दंगा और अब नोएडा पुलिस के पर्चे में टंगा। ये है एल्विश यादव, जिन्हें उनके फैंस मानते हैं सबसे चंगा। एल्विश यादव, एल्विश यादव, एल्विश यादव। जब से बिग बॉस ओटीटी में ये जनाब दिखे हैं, तब से इनका नाम चारों दिशाओं में बस ऐसे ही गूंजता दिखाई देता है। लेकिन आज एल्विश ने ऐसा क्या कर दिया कि हम भी अपना काम धंधा छोड़कर उनकी ही बात कर रहे हैं? तो भैया, सीन ये है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में हुई है एक पार्टी। पार्टी में मिला है कुछ ऐसा कि लोग हैरान हैं, परेशान हैं, और नोएडा पुलिस की FIR में एल्विश यादव का नाम है। मामला क्या है, जल्दी से जान लेते हैं। हाय, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। शुरू करने से पहले ये वाले वीडियोस देख लीजिए। ये हैं एल्विश यादव, कॉलर खोलकर हाथ में जहरीला सांप पकड़कर खड़े हैं और इनकी खुशी है कि संभाली नहीं जा रही है। बीच बीच में तो भाई साहब गले में सांप डालते भी नजर आ जाते हैं, यानी एल्विश का सांप प्रेम पहले से ही जग जाहिर है। अब हुआ ये है कि नोएडा पुलिस ने सेक्टर 49 में एक रेड डाली थी और इस रेड में पुलिस को 9 सांप बरामद हुए हैं, जिनमें शामिल है 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुहे सांप और 1 रेड स्नेक। सांपों की भी कितनी किस्में होती हैं, नहीं? साथ ही 20 ml के करीब सांप का जहर भी बरामद किया गया है। इसके अलावा पार्टी में विदेशी लड़कियां मौजूद होने की बात भी कही जा रही है। खैर, पुलिस ने ये सब पकड़ा और अपनी खाता बही निकाल ली, यानी रिकॉर्ड बुक। फिर दर्ज हुई एक FIR जिसमें एल्विश यादव समेत 7 लोगों का नाम है। इनमें से 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था और उन्हीं की गवाही के आधार पर एल्विश यादव का नाम FIR में डाला गया है। एल्विश यादव पर गैर कानूनी तरीके से रेप पार्टी ऑर्गेनाइज करने और तस्करी के आरोप लगाए गए हैं। असल में मनेका गांधी से जुड़े NGO PFA को सूचना मिली थी कि एल्विश यादव जिंदा सांपों के साथ NCR के फार्म हाउस की रेप पार्टियों में वीडियो शूट कराता है। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और एल्विश यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया है। मनेका गांधी ने एल्विश यादव की गिरफ्तारी की भी मांग की है। एल्विश यादव और उस किस्म के लोग जो कोशिश करते हैं TRPs बढ़ाने, कानून तोड़ करके, इनको एकदम पुलिस को पकड़ना चाहिए, एकदम। ये आदमी कई दिनों से सांप पहन करके नाच रहा है और उससे बढ़ करके हमने सुना कि ये ऑर्गेनाइज करता है ये रेव पार्टीज, जिसमें वो पाइथन्स, कोबरास को बेच करके जहर उनका निकाल करके बेचता है। अब जहर जहर होता है, जो लोग लेते हैं वो सोचते हैं कि उनको हाई हो रहा है, असल में उनकी किडनी फेल हो रही है। जो लोग सांपों को जंगल से ला करके मारते हैं, क्योंकि ये मरते हैं, एक दफ़ा वेनम निकल जाए तो जो लोग मारते हैं उनको तो 7 साल की जेल की सज़ा है, उनको पुलिस को पकड़ना चाहिए। असल में ये मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि इसमें वन्य संरक्षण का पेच फंसता हुआ भी नजर आ रहा है। सुनिए वन्य विभाग के अधिकारी DFO प्रमोद कुमार का इस मामले में क्या कहना है। कल शाम को PFA से फोन आया था, इस तरह का कुछ मोमेंट है कि सांपों को लेकर के, उनके वेनम को लेके कुछ ट्रेड होने की संभावना है, तो उस ट्रैप को लगाया गया था। तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और PFA द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई स्नेक्स उसमें मिले हैं और 1 cc में वेनम बताया गया है, जो जांच के बाद क्लियर होगा कि ये वास्तविक रूप से क्या है। इसमें हम लोग काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे थे और PFA इसको फॉलो कर रहा था, उसी आधार पे कार्रवाई की। 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, बाकी कुछ अन्य लोगों के नाम PFA द्वारा दर्ज कराए गए हैं। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि एल्विश मनेका गांधी के NGO PFA द्वारा कैसे ट्रैप में फंसे। जानकारी के मुताबिक जैसे ही PFA को एल्विश के सांप प्रेम का पता चला तो उनके मुखबिर ने एल्विश से इस बारे में कांटेक्ट किया। एल्विश ने अपने एजेंट राहुल का नंबर दिया। इसके बाद मुखबिर ने राहुल से कांटेक्ट किया और पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा, जिसके बाद आरोपी प्रतिबंधित सांप लेकर नोएडा पहुंचे और पुलिस ने उन्हें ट्रैप लगाकर धर लिया। अब इस पूरे मामले में एल्विश यादव का रिएक्शन भी आ गया है और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डालकर कहा है कि वो जांच में सहयोग करेंगे। जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ जी को,
कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए यादव अरेस्टेड, जो सारी चीजें आप लिख रहे हो, प्लीज मेरा नाम खराब ना कर। और ये जितने भी इल्जाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। हालांकि इसके अलावा भी स्वाति मालीवाल जैसे नेताओं ने एल्विश यादव के जरिए हरियाणा सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। देखिए उनका ये ट्वीट। बाकी इस मामले में अब जांच शुरू हुई है और देखना होगा कि एल्विश यादव इस मामले में निर्दोष साबित होते हैं या फिर कसूरवार। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जानकारी अच्छी लगी हो तो अनकट का ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा।